हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स। हाई डियर लर्नर्स, साइकोलॉजी में एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली टर्म है जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन इसके जो टाइप्स हैं वो अगर आपस में अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किए जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से यूज़ होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं और इनके डिफरेंसेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो रीइंफोर्समेंट में जो वर्ड री है वो ये बताता है कि किसी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, जब हम दोबारा इन्फोर्स करना चाहते होते हैं, मतलब कोई प्रोसेस जो पहले से चल रहा है, कोई पर्सन कुछ लर्न कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो जो लर्निंग है वो बेटर तरीके से हो, अच्छे से हो, तो कुछ ऐसा हम यूज़ करेंगे, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा मेथड हम यूज़ करेंगे, कुछ ऐसा एक्शन हम परफॉर्म करेंगे जो लर्निंग के प्रोसेस को बेटर कर दे, इम्प्रूव कर दे, उसी को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से समझा जा सकता है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे कि जैसे किसी रिएक्शन में एक कैटलिस्ट के आने से पूरी रिएक्शन में फ़र्क आ जाता है, बेटर हो जाती है, कुछ भी चेंजेस उसमें आ जाते हैं, उसी तरीके से रीइंफोर्समेंट के प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने जो एक्शन है, जो प्रोसेस है लर्निंग का, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। रीइंफोर्समेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन और लास्ट में पनिशमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ये एक बहुत ही ईजी फिनोमेना है जो हम अपनी लाइफ में अक्सर करते हैं, अपने घर के मेंबर्स के साथ में करते हैं। जैसे आप एक छोटे बच्चे से कहते हैं कि अगर तुम ये वर्क करोगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, अगर आज तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें शाम को खेलने के लिए पार्क मिले जाएंगे। काइंड ऑफ छोटे छोटे एक्शंस जिनकी हेल्प से हम किसी काम को ईजिली करा पाते हैं। हम चाहते हैं जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ाई करे या किसी भी एक्शन को ठीक से परफॉर्म करे, उस एक्शन को एक पॉजिटिव लर्निंग कराने के लिए हम एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। हमारी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बाद की डिज़ायर होती है वो यही होती है कि हम जो भी वांटेड बिहेवियर है हमारा, जो हम चाहते हैं कि दूसरा पर्सन परफॉर्म करे, उसको फुलफ़िल करा पाते हैं। इन एवरी काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट हम वांटेड बिहेवियर को फुलफ़िल करा पाते हैं। अब आप समझिएगा कि चाहे रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी क्यों ना हो, हम अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो वो सिचुएशन की वजह से है, लेकिन उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वांटेड बिहेवियर को अचीव करना। हम चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो हमारे हिसाब से चले या ऐसा एक्शन परफॉर्म करे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको पॉजिटिव बात कह देने से वो करने लग जाए, कि हम उसको कहेंगे कि तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे तो तुम क्लास में टाइम से आया करो। हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से काम चल जाए, तो उस केस में हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करेंगे। जैसे अगर एक बच्चा क्लास में लेट आ रहा है तो हमने पूरी क्लास में ये बात कह दी कि जो भी बच्चा कल से लेट आएगा वो क्लास के बाहर रहेगा या उसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे क्या है, एक काइंड ऑफ फियर बच्चे के अंदर जनरेट हो गया। बट ये पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि हम उसके माइंड में जो हम उससे करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चा क्लास में टाइम से प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम उसको एक बार, तो शुरू में हो सकता है हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही दिया हो कि जो भी बच्चा टाइम से आएगा उसको हम कुछ भी काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की फॉर्म में ये देंगे या कोई भी चीज़ देने का हमने प्रॉमिस किया हो, लेकिन अगर फिर भी बच्चा फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको अब उसकी डार्कर साइड की तरफ लेके जाएंगे कि जो भी लेट आएगा उसको क्लास में अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो आउटकम निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। हमारा रीइंफोर्समेंट तो नेगेटिव है, हमारा एक्शन ज़रूर नेगेटिव है कि हम यहाँ पे बच्चे को किसी तरीके का फियर क्रिएट कर रहे हैं बच्चे के लिए, मगर इससे जो आउटकम निकलेगा, हाई चांसेस होंगे कि बच्चा क्या होगा, डर से या किसी भी फियर की वजह से टाइम से आने लगेगा। तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल। अब आता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अब्यूज़ करता है, तो आप अगर बच्चे को कहेंगे कि अगर आप अब्यूज़ नहीं करोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, हो सकता है बच्चा इस बात पे मान जाए, आप बच्चे को डांटें या आप उसको समझाएं कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैं आपको कभी मार्केट घुमाने नहीं ले जाऊँगा, पार्क में नहीं लेके जाऊँगा, हो सकता है बच्चा मान जाए। लेकिन अगर इन दोनों ही केस में बच्चा नहीं मान रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक्सटिंक्शन का वेट कर सकते हैं कि उस चीज़ को अवॉइड करें, आप अवॉइड करें या उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट से अलग ले जाएं, अवॉइड करा दें उस एनवायरनमेंट से, उसको डिसकनेक्ट कर दें, तो वो चीज़ उसके अंदर गायब हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है तभी वो लर्न कर रहा है। अगर हम उस चीज़ को ही हटा दें वहाँ से तो उस चीज़ में क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे हमेशा एनवायरनमेंट से हटा देना सोल्यूशन नहीं है, एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है ना चीज़ गायब हो जाए, तो वो गायब कैसे होगी जब हम उस चीज़ की तरफ ध्यान ही ना दें। एक्सटिंक्शन एक ऐसा रीइंफोर्समेंट होता है जिसमें हमें एक्जैक्टली कुछ करना नहीं होता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बच्चे के साथ किसी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब आता है पनिशमेंट। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें ना तो बच्चा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से मान रहा है, ना नेगेटिव से मान रहा है, ना एक्सटिंक्शन,
अच्छा बच्चे का जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ ये एक ही केस है, इसलिए इसमें सारे टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट हमने इन्वॉल्व कर ली, जरूरी नहीं एक बच्चे के ही केस में हो, आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स में इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार हम किसी चीज़ों को पॉजिटिवली करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो नेगेटिव ट्राई करते हैं, अवॉइड भी करते हैं, मगर तीनों ही चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, तो पनिशमेंट का सहारा लेते हैं। पनिशमेंट और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में फ़र्क होता है। पनिशमेंट में कुछ ऐसा कंडीशनिंग क्रिएट की जाएगी, कुछ ऐसा ज़रूर होगा, किसी ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे स्टिमुलाई का यूज़ किया जाएगा जो कोई पेन क्रिएट करे, जबकि नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में एक पॉजिटिव डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए बस स्ट्रैटेजी को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइड चले जाते हैं। लेकिन पनिशमेंट इज़ एंटायरली डिफरेंट, इट इज़ अ काइंड ऑफ रीइन्फोर्समेंट बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। तो पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा या दूसरों को लेते हुए देखा होगा। बट एनी वे यहाँ पे पनिशमेंट क्या होता है रीइन्फोर्समेंट की फॉर्म में, कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा थम सकिंग करता है, आपने उसको बहुत मोटिवेट करा कि अब आप थम सकिंग नहीं करोगे तो आपको ये देंगे, उसने नहीं मानी आपकी बात, आपने उसको डांटा भी या किसी और तरीके से मैनिपुलेटिव वे में समझाया, उसने तब भी नहीं माना, और अवॉइड करने से तो ये बिल्कुल नहीं बदले जाएगा, इस चीज़ के लिए तो एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो बच्चा है उसके अगर थम पर हम चिली लगा दें, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे पनिशमेंट में कुछ ना कुछ पेनफुल सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, अगर बच्चे के थम में चिली लगा दें तो बच्चा जो है वो अब उसके लिए क्या सिचुएशन क्रिएट होगी आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम अवर्सिव कंडीशनिंग का भी नाम देते हैं। अवर्सिव कंडीशनिंग पूरा एक प्रोसेस होता है विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसको भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवर्सिव कंडीशनिंग के प्रोसेस में पनिशमेंट आता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो पनिशमेंट का भी है और अवर्सिव कंडीशनिंग का भी है, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके का पनिशमेंट देके जिसमें उसको पेन हो, जैसे कि और सिंपलर वे में ले ले, तो अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो उसकी पिटाई लगा दी, स्केल से मार दिया या एनी थिंग, आपने उसको कुछ भी ऐसा करा, तो दैट विल डेफिनेटली मेक सम चेंजेस इन हिज बिहेवियर, जो आप चाहते हैं वैसा वो करेगा। होता है ना जैसे पिटाई घर में लग जाती है, सब तो आपके साथ भी हुआ ही होगा बचपन में एनी वे। तो ये सब चीज़ें क्या है, पनिशमेंट का पार्ट है, इससे भी हम डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ जा सकते हैं। तो ये हैं चार टाइप के रीइन्फोर्समेंट जो हमें डिजायर्ड या वांटेड बिहेवियर की तरफ लेकर जाते हैं। आई होप आपको रीइन्फोर्समेंट क्लियर हुआ होगा, इसके टाइप्स भी क्लियर हुए होंगे। इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट्स बॉक्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।